हाय फ्रेंड्स, मैं हूं परुण। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको होममेड कॉम्प्लेन पाउडर बनाना बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है। इसके अंदर ही आधा कप मैं बादाम ले रही हूं। गैस को बिल्कुल मैंने इस तरह से लो पे रखा है। ऐसे आप बिल्कुल हल्का हल्का सा हमें इसे सेकना है। एकदम बहुत ज्यादा नहीं सेकना है कि कड़वी हो जाए। बस इसी तरह से आप हल्का हल्का इसे सेक लीजिए। बादाम जो अच्छे से सेक चुके, इस तरह से मैंने इसे हिलाते हुए करा था। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया कलर आया है। बस हमें इतने ही सेकना है। इसे आप ठंडी करने के लिए रख दीजिए। आधा कप ये काजू ले रही हूं, इसे भी आप इसी तरह से हिलाते हुए अच्छे से सेक लीजिए। काजू को भी इसी तरह से मुझे सेकते हुए 5 मिनट हो चुके। गैस को आप बंद कर दीजिए और इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए। दोनों चीजें जो है अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इस तरह से मैंने ये लॉक वाली जो पॉलिथीन आती है उसे लिया है। इसके अंदर आप इसे भर लीजिए। मैंने इस तरह से इसे भर लिया है, इसका लॉक भी लगा दिया है। एक कपड़ा रखिए, उसके ऊपर इसे थोड़ा सा फैला के रख दीजिए। उसके बाद जो हमारे बादाम है, इस तरह से आप बेलन लीजिए, थोड़ा सा इसे हम दरदरा करेंगे। बहुत ज्यादा हमें बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा दरदरा करना है। बादाम अच्छे से दरदरी हो चुकी है। इसी तरह से काजू को भी मैं दरदरा कर लूंगी। काजू भी इस तरह से एकदम बढ़िया दरदरे हो गए हैं। इन दोनों को आप अलग रख दीजिए। मैंने मिक्सी के जार के अंदर बादाम को डाल दिया है। मिक्सी का जार जो आपको बिल्कुल सूखा होना चाहिए। देखिए, इस तरह से बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। इसे मैंने थोड़ा सा धूप में रख दिया था तो पूरी तरह से अंदर तक ये सूख गया है। इसे भी मैंने इसी तरह से करा था। इसे आपको रुक के दरदरा पीसना है, मतलब मिक्सी को मैं कंटिन्यू नहीं चलाना है, रुक रुक के चलाना है। इस तरह से मैंने इसे दरदरा, एकदम दरदरा भी नहीं रखा और एकदम बारीक चिकना पाउडर जैसा भी नहीं बनाया। इस तरह से अच्छे से मैंने इसे पीसा है, किसी भी प्रकार के इसमें बड़े पीसेस ना रहे। इसे आप मिक्सी का मैं बड़ा वाला जार ले रही हूँ, इसके अंदर आप पूरा डाल दीजिए। मैंने काजू लिए, काजू को भी इसी तरह से आप पीस लीजिए, रुक रुक के चलाइए, एकदम बढ़िया पाउडर बन जाएगा। काजू का पाउडर भी एकदम बढ़िया बन गया, इसे भी आप इसी में डाल दीजिए। 1/4 कप मैंने ये मिश्री ली। आप चाहें तो शक्कर भी ले सकते हैं या फिर मिश्री भी यूज कर सकते हैं। तो मिश्री डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आप इलायची पसंद करते हैं तो इसी के अंदर इलायची के 8-10 दाने आप इसमें डाल दीजिए, उसी को साथ में इसके पीस लीजिए। देखिए, मिश्री भी एकदम बढ़िया पीस गई है, इसी पीस में आप डाल दीजिए। इसके अंदर 1 कप में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। मैंने 1 कप डाला। इसे हम थोड़ा सा रुक रुक के एक साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें एक साथ हमारी मिल जाएंगी। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स करके पीस लिया है। देख सकते हैं कितना बढ़िया ये एक जैसा हो गया हमारा। अगर आप चाहें इसे छन्नी से छान सकते हैं। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही, इसलिए मैं इसे नहीं छान रही हूँ। आप इसे किसी भी 8 टाइट डिब्बे में डाल के 1 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह से आप पूरा अच्छे से भर के बिल्कुल ढक्कन को टाइट लगा के रखिए, क्योंकि हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर यूज करा है। इसमें थोड़ी सी भी हवा लगेगी तो थोड़ी सी इसमें गुठली जैसी बन जाती है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया है इसको बनाने का। बिल्कुल भी इसे बनाने में टाइम नहीं लगता। 5 मिनट सेकने के, 5 मिनट ठंडा करने के, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके अलावा जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरे कॉम्प्लेन पाउडर की रेसिपी पसंद आती तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।